झारखंड जो है 14 यहाँ संसदीय सीट है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से आप जो इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, मेरी पार्टी जो है सेकुलर की जो पार्टी है, वहाँ बताइए हमको इस झारखंड की, हम पूरे देश की बात नहीं करते, 14 में एक भी मुसलमानों को इन लोगों ने टिकट नहीं दिया, जो आज जो है जो इस साफ दिखता है कि आपके करने और कथनी में क्या फर्क है। आप जिस समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट कोडरमा लोकसभा में लगभग 20% है, तो अल्पसंख्यक समुदाय इस बार के लोकसभा चुनाव में किसके तरफ है? लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी को वोट क्यों दे? आज तक कांग्रेस राजद जो मुसलमानों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो डर बैठा करके रखा है, इस बार मुसलमानों ने तय किया है कि हम देश के साथ, हम देश के जो विकास है हम उसके साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और निश्चित तौर से ये चीज हमारे लोकप्रिय जो हमारी क्षेत्र की जो सांसद अन्नपूर्णा जी मुस्लिम समाज का लोग उनके साथ भी है। जोहार, मैं जवाब आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। कोडरमा लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा और चतरा लोकसभा में आज चुनाव प्रचार थम चुके हैं। अभी हम लोग कोडरमा लोकसभा के झुमरी तिलैया शहर में हमारे साथ हैं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरशद खान जी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का माहौल क्या है और जो आने वाले 20 मई को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यहाँ का जनता का मूड क्या है और कौन से मुद्दे पे कोडरमा की जनता वोट करेगी। सबसे पहले आपका धनीज खजाना में स्वागत है। धन्यवाद। क्या माहौल है चुनाव को लेकर कोडरमा में? देखिए, कोडरमा में जो अभी चुनावी माहौल है, निश्चित तौर से हम लोग की इस कोडरमा लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा जी हैं उनके पक्ष में है और हमारी जीत सुनिश्चित है और हमारे इस जीत में कहीं कोई भी किसी से कोई मेरा मुकाबला नहीं। लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला टक्कर का है, विनोद सिंह भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कितना असर है? नहीं नहीं, ठीक है, विनोद जी हैं लेकिन जनता मन बना चुका है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीन स्तर पे काम करती है। देखिए, बहुत सारी चीज जो है, जो योजनाएं हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आम जनता तक पहुंचाया गया है, बहुत सारा उदाहरण है। जैसे आप आयुष्मान को ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड जो है वो निश्चित तौर से गरीब आम लोगों के लिए इतना मैंने कारगर साबित हुआ है, लाभदायक हुआ है, जिसको आप हम लोग महसूस कर सकते हैं। उस परिवार का जिसके 5 लाख रुपया का जो आपका चिकित्सा सुविधा मिल रहा है, उसको क्या क्या चाहिए? राशन जो है, आज 80 करोड़ जो हिंदुस्तान में गरीब लोगों को राशन मिल रहा है। आप देख लीजिए, आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास मिला, शौचालय मिला, तो निश्चित तौर से जमीन स्तर पे हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो लोकप्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो किया गया वो दिल में लोगों के बसते हैं और हमारी प्रत्याशी निश्चित तौर से इस कोडरमा लोकसभा से भी जीत उनका सुनिश्चित है। बिल्कुल, आप जिस समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का वोट कोडरमा लोकसभा में लगभग 20% है, तो अल्पसंख्यक समुदाय इस बार के लोकसभा चुनाव में किसके तरफ है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज जो है, मुस्लिम समाज, अकलियत जो हम लोग जिसको कहते हैं, वो किसी के किसी पार्टी का बैंक वोट नहीं है। ये तो जो आज तक कांग्रेस राजद जो मुसलमानों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो डर बैठा करके रखा है, इस बार मुसलमानों ने तय किया है कि हम देश के साथ, हम देश के जो विकास है हम उसके साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और निश्चित तौर से ये चीज हमारे लोकप्रिय जो हमारी क्षेत्र की जो सांसद अन्नपूर्णा जी मुस्लिम समाज का लोग उनके साथ भी है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी को वोट क्यों दे? इसलिए कि बीजेपी भेदभाव नहीं करता, जो भी योजना आता है वो आप देख लीजिए, उठा करके आवास मिला है तो वहाँ जातीय और भेदभाव करके वहाँ नहीं मिलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबों को मिलता है। आज अनाज जो मिल रहा है गरीब में, आज आयुष्मान जो मिला है, जो भी आज देख लीजिए रोड जो बना है, उसमें सिर्फ हिंदू भाई नहीं चलते, उसमें मुसलमान भाई भी चलते हैं। शिक्षा के में जो है, जितने भी चीज है, जितनी भी योजना आती है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग मुस्लिम समाज के लोगों से खास करके अपील करना चाहते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आए। आप बीजेपी के साथ आप नजदीक जाओ, बीजेपी जो है वो आपको आप कंधे से कंधे मिला के चलिए, उस देश के विकास में आप अपनी भागीदारी दिखाइए। लेकिन एक सवाल अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग उठाते हैं कि पहले भी अल्पसंख्यक के मंत्री रहते थे, लेकिन अब वो भी पोस्ट बीजेपी वाले ने खाली कर दिया है, और जब लोकसभा चुनाव आया तो कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई तो वहाँ भी बीजेपी मुसलमानों को साइड करते जा रही है, तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर क्यों जाए? जबकि सामाजिक न्याय की बात की जाती है, उसके आधार पे
हर पार्टियां टिकट देती है, लेकिन बीजेपी तो इसमें नजरअंदाज कर दे रही है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहेंगे, आज झारखंड जो है 14 यहाँ संसदीय सीट है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से आप जो इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, मेरी पार्टी जो है सेकुलर की जो पार्टी है, वहां बताइए हमको इस झारखंड की, हम पूरे देश की बात नहीं करते, 14 में एक भी मुसलमानों को इन लोगों ने टिकट नहीं दिया। जो आज जो है जो इस साफ दिखता है कि आपके करनी और कथनी में क्या फर्क है, अब भी तो नहीं दिए हैं। नहीं हम नहीं दिए हैं, ठीक है हम दिए हैं, क्यों नहीं दिए, हमारी पार्टी ने दिया है। आज केरल में हमने आप उम्मीदवार बनाया है और एक आप हम ठीक है, हम पूरे हिंदुस्तान देश की बात नहीं कर रहे, मैं झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। आप इंडिया गठबंधन के लोग जो यहाँ मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति जो करते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग क्यों नहीं दिया 14 सीट में, एक भी मुसलमानों को उन लोगों ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया हम पूछते हैं, हम भी एक अकलियत मुसलमान हम है, हम भी पूछते हैं कि यहाँ एक भी उन लोगों को क्या मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला। तो ये तो मैं पूछता हूँ उन लोगों से, ये तो सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए आपको बीजेपी के को लोगों को डर दिखा करके मुसलमानों में आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आरोप विपक्षी पार्टी लगा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, जो रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है वो अपने भाषणों में भी नहीं उठा रहे हैं, इस पर क्या? देखिए ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई है और राजनीतिक है। हाँ राजनीतिक में इस पर इस विषय पे हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे, और जो जमीन स्तर पे जो चीज है वो आप लोग भी देखें और आम जनता भी इस चीज को महसूस करे कि प्रधानमंत्री जब गल्फ कंट्री जाते हैं, एक मेरा मित्र है गल्फ कंट्री में रहा, यहाँ आया बोला यार हम लोग गए और हम लोग हैं 10 साल से, तो यहाँ हिंदुस्तान का जब लोग नाम सुनते हैं तो एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो निश्चित तौर से वो इसलिए, वो ये नहीं कि आपको गलत भावना से देखते हैं, वो देखते हैं कि इस हिंदुस्तान का नागरिक है, और ये निश्चित तौर से ये चीज दिखाने पर मजबूर, और ये जो एक अच्छा माहौल बना पूरे देश दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के वजह से हुआ है। आज देखिए यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था, चाहे वो हिंदुस्तान का बच्चा हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी समाज किसी का जात का हो, वहां से यूक्रेन में युद्ध को विराम दिला करके आकर के उन्होंने हिंदुस्तान के जो बच्चों को लाया, ये उनकी लेकिन मणिपुर पे बात नहीं कर उनकी ये वहां की जनता बार बार पूछ रही है कि हमारा पीएम कहाँ है, कहाँ है। आपको याद होगा भागलपुर में जब कांग्रेस की सरकार थी स्टेट में, तो भागलपुर में बहुत भयंकर दंगा हुआ था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं थी। देखिए हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, लोकल मुद्दे पर हम आ रहे हैं, चूंकि अभी हम लोग उतनी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन लोकल जो है लोकल हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद जो हमारी उम्मीदवार है अन्नपूर्णा जी, निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगी। अल्पसंख्यक समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है उनको, निश्चित मिल रहा है, और उनकी जीत हम फिर दोबारा कहना चाहेंगे, जीत उनकी सुनिश्चित है, और अल्पसंख्यक समाज का लोग क्यों नहीं देगा वोट, क्यों नहीं देगा वोट, लोग भी दे रहे हैं और वो भी अपने इस जीत में उनकी भी भागीदारी होगी। वो भी लोग यहाँ हैं, किन मुद्दे के आधार पर जनता वोट करेगी कोडरमा की जनता, आइए क्या है कोडरमा की जनता के लोकल मुद्दे? लोकल मुद्दा कुछ नहीं है, लोग डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को 400 सीटों पर देखना चाहते हैं। 400 पार यही है टारगेट लोगों का, यही मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं लोकल मुद्दा कुछ भी नहीं, कोई मुद्दा लोकल देखते ही नहीं है लोग, लोकल नहीं देख रहे, कोई लोकल नहीं, लेकिन कहीं कहीं तो आवाज उठा रहे हैं विपक्षी पार्टी, बोल रहे हैं यहाँ अबरक, बताइए जो अबरक व्यवसाय का जो मेन साधन था यहाँ अबरक का, वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ठप हो गया, और लगातार अबरक मजदूर इसके लिए आंदोलन रहता है, उसके लिए काम किया जाएगा, उसके लिए केवल झारखंड बेस पे तो वो पूरा झारखंड के लिए प्रॉब्लम है, ये केवल कोडरमा के लिए ही नहीं, कोडरमा में पूरे विश्व के लिए फेमस था, लेकिन उसके लिए बैठ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए ये बड़ी बात है, केवल एक सांसद के ऊपर थोक देना कि अरे यार अबरक केवल सांसद ही करते हैं, शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, तो वो शिक्षा पे बात करेगी कि फिर अबरक का बात करेगी, लेकिन जब समस्याओं पर भी वहाँ आवाज उठा सकती है, तो आवाज तो उठाई है, आप एक बार सांसद का जो होता है वो जो 2 साल में बिल्कुल उसमें देखें आप, 2 बार वो आवाज की है, 2 बार वो अपना क्वेश्चन आवर में अपना क्वेश्चन भी पूछी है, लेकिन जब उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया राज्य शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री से वो एजुकेशन पे बेस पे वो क्वेश्चन किए, जैसे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुला, हम लोग आज जो हॉस्पिटल का बात चल रहा है, हॉस्पिटल से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ही विकास होगा, आप एक बार सोचिएगा कि आप डेवलपिंग कंट्री में आ जाए, तो डेवलपिंग कंट्री में आने के लिए लगभग 2050 लगेगा,
2047 बोल रहे हैं मोदी, हम 2050 बोल रहे हैं, 47 उनका 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 टारगेट है, हम लोग 2050 मानिए आम लोगों के लिए। यहाँ भाजपा के लिए जीत कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, जीत चुकी है 100%। चलिए तो देख सकते हैं आपसे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष वो दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बीजेपी के साथ हैं और इस बार बीजेपी को वोट देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।